नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजवानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। थॉमस एल्वा एडिसन, ये नाम आप सभी ने सुना होगा। ये नाम महज एक बल्ब के आविष्कारक के रूप में ही नहीं जाना जाता, बल्कि इनके बुद्धिमानी की पूरी दुनिया लोहा मानती थी। और इनकी कहानी आपसे साझा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। दरअसल क्लास 10th और 12th के कई राज्यों के बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं। यूपी बोर्ड के साथ ही कई तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, और आने वाले कुछ दिनों में सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के साथ ही और भी बोर्ड्स के रिजल्ट आएंगे। लेकिन उस कहानी की शुरुआत पहले मैं करती हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके प्रिंसिपल ने एक लेटर उन्हें दिया और उनकी माँ को संबोधित करते हुए। और जब वो लेटर अपनी माँ के पास लेकर पहुँचते हैं तो उनकी माँ ने जब लेटर खोला तो वो उस लेटर को देख करके रोने लगी। जाहिर सी बात है कि जब कोई माँ रोएगी तो बच्चे का पूछना बिलाजमी है। थॉमस ने पूछा कि आखिर इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है जो आप रोने लगी। तब माँ ने कहा कि इस लेटर में ये लिखा है कि आपका बच्चा इतना बुद्धिमान है कि हमारे स्कूल के शिक्षक उसको पढ़ाने में अच्छे नहीं है, या स्कूल के शिक्षक पढ़ा नहीं पाएंगे, तो इस वजह से आप अपने बच्चे को आज से खुद पढ़ें। तो उसके बाद थॉमस ने कहा कि ठीक है, मैं आज से अपनी माँ से ही पढ़ूंगा। उसके बाद माँ ने थॉमस को पढ़ाना शुरू किया और महज 10 साल की उम्र में थॉमस ने एक अपनी प्रयोगशाला बना ली जहाँ वो लगातार दिन रात प्रयोग करते थे। और उन्हीं के प्रयोग का ही ये नतीजा है कि आज पूरे दुनिया में तमाम तरीके के आविष्कार हुए हैं। लेकिन एक दिन वो लेटर थॉमस के हाथ में लग गया, और वो लेटर जब थॉमस ने खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि उस लेटर में प्रिंसिपल ने ये लिखा था कि आपका बच्चा निहायत बेवकूफ़ है और हम उसको नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हमारा स्कूल उस बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता है, तो अब आप ही अपने बच्चे को पढ़ाएं। ये देख करके थॉमस रोने लगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस स्टोरी को आपको बताने का मोटिव क्या है। स्टोरी को बताने का मोटिव ये है कि अक्सर हमने देखा है कि रिजल्ट और परसेंटेज के चक्कर में कई बच्चों को इतना प्रेशर किया जाता है कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। और सुसाइड जब कर लेते हैं तो उसके बाद पछतावे के अलावा पेरेंट्स के बाद और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, क्योंकि फिर पेरेंट्स पछताते हैं। तो ऐसे में जो बच्चे कामयाब हैं, जो बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, वो तो जाहिर सी बात है कि प्रशंसा के योग्य हैं। लेकिन उनके बीच हम ऐसे बच्चों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिनके परसेंटेज कम है, क्योंकि हमने सुना है कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर।